अब तक आपने सुना विभीषण का रावण से श्री राम की अजेयता बताकर सीता को लौटा देने के लिए अनुरोध करना, विभीषण का रावण के महल में जाना, उसे अपशकुनों का भय दिखाकर सीता को लौटा देने के लिए प्रार्थना करना और रावण का उनकी बात न मानकर उन्हें वहां से विदा कर देना। इसके पश्चात आपने सुना रावण और उसके सभासदों का सभा भवन में एकत्र होना। श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः। महर्षि वाल्मीकि प्रणीत श्रीमद् वाल्मीकि रामायण युद्धकांड 12वां सर्ग। नगर की रक्षा के लिए सैनिकों की नियुक्ति, रावण का सीता के प्रति अपनी आसक्ति बताकर उनके हरण का प्रसंग बताना और भावी कर्तव्य के लिए सभासदों की सम्मति मांगना, कुंभकर्ण का पहले तो उसे फटकारना, फिर समस्त शत्रुओं के वध का स्वयं ही भार उठाना। शत्रु विजयी रावण ने उस संपूर्ण सभा की ओर दृष्टिपात करके सेनापति प्रहस्त को उस समय इस प्रकार आदेश दिया। सेनापते, तुम सैनिकों को ऐसी आज्ञा दो जिससे तुम्हारे अस्त्र विद्या में पारंगत रथी, घुड़सवार, हाथी सवार और पैदल योद्धा नगर की रक्षा में तत्पर रहें। अपने मन को वश में रखने वाले प्रहस्त ने राजा के आदेश का पालन करने की इच्छा से सारी सेना को नगर के बाहर और भीतर यथायोग्य स्थानों पर नियुक्त कर दिया। नगर की रक्षा के लिए सारी सेना को तैनात करके प्रहस्त राजा रावण के सामने आ बैठा और इस प्रकार बोला, राक्षस राज, आप महाबली महाराज की सेना को मैंने नगर के बाहर और भीतर यथास्थान नियुक्त कर दिया है। अब आप स्वस्थ चित्त होकर शीघ्र ही अपने अभिष्ट कार्य का संपादन कीजिए। राज्य का हित चाहने वाले प्रहस्त की यह बात सुनकर अपने सुख की इच्छा रखने वाले रावण ने सुहृदों के बीच में यह बात कही, सभासदों, धर्म अर्थ और काम विषयक संकट उपस्थित होने पर आप लोग प्रिय अप्रिय सुख दुख लाभ हानि और हिताहित का विचार करने में समर्थ हैं। आप लोगों ने सदा परस्पर विचार करके जिन जिन कार्यों का आरंभ किया है वे सब के सब मेरे लिए कभी निष्फल नहीं हुए हैं। जैसे चंद्रमा ग्रह और नक्षत्रों सहित मरुदगणों से घिरे हुए इंद्र स्वर्ग की संपत्ति का उपभोग करते हैं, उसी भांति आप लोगों से घिरा रहकर मैं भी लंका की प्रचुर राजलक्ष्मी का सुख भोगता रहूं। यही मेरी अभिलाषा है। मैंने जो काम किया है उसे मैं पहले ही आप सबके सामने रखकर आपके द्वारा उसका समर्थन चाहता था, परंतु उस समय कुंभकर्ण सोए हुए थे इसलिए मैंने इसकी चर्चा नहीं चलाई। समस्त शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ महाबली कुंभकर्ण 6 महीनों से सो रहे थे, अभी इनकी नींद खुली है। मैं दंडकारण्य से जो राक्षसों के विचरने का स्थान है राम की प्यारी रानी जनक दुलारी सीता को हर लाया हूँ, किंतु वह मंदगामिनी सीता मेरी शैया पर आरूढ़ होना नहीं चाहती है। मेरी दृष्टि में तीनों लोकों के भीतर सीता के समान सुंदरी दूसरी कोई स्त्री नहीं है। उसके शरीर का मध्य भाग अत्यंत सूक्ष्म है, कटी के पीछे का भाग स्थूल है, मुख शरत काल की चंद्रमा को लज्जित करता है। वह सौम्य रूप और स्वभाव वाली सीता सोने की बनी हुई प्रतिमा सी जान पड़ती है। ऐसा लगता है जैसे वह मायासुर की रची हुई कोई माया हो। उसके चरणों के तलवे लाल रंग के हैं, दोनों पैर सुंदर चिकने और सुडौल हैं तथा उनके नख तांबे जैसे लाल हैं। सीता के उन चरणों को देखकर मेरी कामाग्नि प्रज्वलित हो उठती है जिसमें घी की आहुति डाली गई हो। उस अग्नि की लपट और सूर्य के समान इस तेजस्विनी सीता को देखकर तथा ऊंची नाक और विशाल नेत्रों से सुशोभित उसके निर्मल एवं मनोहर मुख का अवलोकन करके मैं अपने वश में नहीं रह गया हूँ। काम ने मुझे अपने अधीन कर लिया है। जो क्रोध और हर्ष दोनों अवस्थाओं में समान रूप से बना रहता है, शरीर की कांति को फीकी कर देता है और शोक तथा संताप के समय भी कभी मन से दूर नहीं होता, उस काम ने मेरे हृदय को कलुषित कर दिया है। विशाल नेत्रों वाली माननीय सीता ने मुझसे 1 वर्ष का समय मांगा है। इस बीच में वह अपने पति श्री राम की प्रतीक्षा करेगी। मैंने मनोहर नेत्रों वाली सीता के उस सुंदर वचन को सुनकर उसे पूर्ण करने की प्रतिज्ञा कर ली है। जैसे बड़े मार्ग में चलते चलते घोड़ा थक जाता है, उसी प्रकार मैं भी काम पीड़ा से थकावट का अनुभव कर रहा हूँ। वैसे तो मुझे शत्रुओं की ओर से कोई डर नहीं है, क्योंकि वे वनवासी वानर अथवा वे दोनों दशरथ कुमार श्री राम और लक्ष्मण असंख्य जल जंतुओं तथा मत्स्यों से भरे हुए अलंग्य महासागर को कैसे पार कर सकेंगे, अथवा एक ही वानर ने आकर हमारे यहाँ महान संहार मचा दिया था, इसलिए कार्य सिद्धि के उपायों को समझ लेना अत्यंत कठिन है।
अतः जिसको अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा उचित जान पड़े वह वैसा ही बतावे। तुम सब लोग विचार अवश्य व्यक्त करो। यद्यपि हमें मनुष्य से कोई भय नहीं है, तथापि तुम्हें विजय के उपाय पर विचार तो करना ही चाहिए। उन दिनों जब देवताओं और असुरों का युद्ध चल रहा था, उसमें आप सब लोगों की सहायता से ही मैंने विजय प्राप्त की थी। आज भी जब आप मेरे उसी प्रकार सहायक हैं, वे दोनों राजकुमार सीता का पता पाकर सुग्रीव आदि वानरों को साथ लिए समुद्र के उस तट पर पहुंच चुके हैं। अब आप लोग आपस में सलाह कीजिए और कोई ऐसी सुंदर नीति बताइए जिससे सीता को लौटाना न पड़े तथा वे दोनों दशरथ कुमार मारे जाएं। वानरों के साथ समुद्र को पार करके यहाँ तक आने की शक्ति जगत में राम के सिवा और किसी में नहीं देखता हूँ, किंतु राम और वानर यहाँ आकर भी मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते, अतः यह निश्चय है कि जीत मेरी ही होगी। कामत और रावण का यह खेदपूर्ण प्रलाप सुनकर कुंभकर्ण को क्रोध आ गया और उसने इस प्रकार कहा, जब तुम लक्ष्मण सहित श्री राम के आश्रम से एक बार स्वयं ही मनमाना विचार करके सीता को यहाँ बलपूर्वक हर लाए थे, उसी समय तुम्हारे चित्त को हम लोगों के साथ इस विषय में सुनिश्चित विचार कर लेना चाहिए था। ठीक उसी तरह जैसे यमुना जब पृथ्वी पर उतरने को उद्यत हुई थी, तभी उन्होंने यमुनोत्री पर्वत के कुंड विशेष को अपने जल से पूर्ण किया था। पृथ्वी पर उतर जाने के बाद उनका वेग जब समुद्र में जाकर शांत हो गया, तब वे पुनः उस कुंड को नहीं भर सकती। उसी प्रकार तुमने भी जब विचार करने का अवसर था, तब तो हमारे साथ बैठकर विचार नहीं किया। अब अवसर बिताकर सारा काम बिगड़ जाने के बाद तुम विचार करने चले हो। महाराज, तुमने जो यह छलपूर्वक छिपकर पर स्त्री हरण आदि कार्य किया है, यह सब तुम्हारे लिए बहुत अनुचित है। इस पाप कर्म को करने से पहले ही आपको हमारे साथ परामर्श कर लेना चाहिए था। दशानन, जो राजा सब राजकार्य न्यायपूर्वक करता है, उसकी बुद्धि निश्चयपूर्ण होने के कारण उसे पीछे पछताना नहीं पड़ता है। जो कर्म उचित उपाय का अवलंबन किए बिना ही किए जाते हैं तथा जो लोक और शास्त्र के विपरीत होते हैं, वे पाप कर्म उसी तरह दोष की प्राप्ति कराते हैं जैसे अपवित्र अभिचारिक यज्ञों में होमे गए हविष्य। जो पहले करने योग्य कार्यों को पीछे करना चाहता है और पीछे करने योग्य काम पहले ही कर डालता है, वह नीति और अनीति को नहीं जानता। शत्रु लोग अपने विपक्षी के बल को अपने से अधिक देखकर भी यदि वह हर काम में चपल है, तो उसका दमन करने के लिए उसी तरह उसके छिद्र ढूंढते रहते हैं जैसे पक्षी दुर्लंघ्य क्रौंच पर्वत को लांघकर आगे बढ़ने के लिए उसके छिद्र का आश्रय लेते हैं, जिसे कुमार कार्तिकेय ने अपनी शक्ति का प्रहार करके बनाया था। महाराज, तुमने भावी परिणाम का विचार किए बिना ही यह बहुत बड़ा दुष्कर्म आरंभ किया है। जैसे विष मिश्रित भोजन खाने वाले के प्राण हर लेता है, उसी प्रकार श्री रामचंद्र जी तुम्हारा वध कर डालेंगे। उन्होंने अभी तक तुम्हें मार नहीं डाला, इसे अपने लिए सौभाग्य की बात समझो। अनग, यद्यपि तुमने शत्रुओं के साथ अनुचित कर्म आरंभ किया है, तथापि मैं तुम्हारे शत्रुओं का संहार करके सबको ठीक कर दूंगा। निशाचर, तुम्हारे शत्रु यदि इंद्र सूर्य अग्नि वायु कुबेर और वरुण भी हों, तो मैं उनके साथ युद्ध करूंगा और तुम्हारे सभी शत्रुओं को उखाड़ फेंकूंगा। मैं पर्वत के समान विशाल एवं तीखी दाढ़ों से युक्त शरीर धारण करके महान पड़िग हाथ मेले समर भूमि में जूझता हुआ जब गर्जना करूंगा, उस समय देवराज इंद्र भी भयभीत हो जाएंगे। राम मुझे एक बाण से मारकर दूसरे बाण से मारने लगेंगे, उसी बीच में मैं उसका खून पी लूंगा। इसलिए तुम पूर्णतः निश्चिंत हो जाओ। मैं दशरथ नंदन श्री राम का वध करके तुम्हारे लिए सुखदायिनी विजय सुलभ कराने का प्रयत्न करूंगा। लक्ष्मण सहित राम को मारकर समस्त वानर यूथपतियों को खा जाऊंगा। तुम मौत से विहार करो, उत्तम वारुणी का पान करो और निश्चिंत होकर अपने लिए हितकर कार्य करते रहो। मेरे द्वारा राम के यमलोक भेज दिए जाने पर सीता चिरकाल के लिए तुम्हारे अधीन हो जाएगी। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 12वां सर्ग पूर्ण हुआ। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण युद्ध कांड 13वां सर्ग। महापार्श्व का रावण को सीता पर बलात्कार के लिए उकसाना और रावण का शाप के कारण अपने को ऐसा करने में असमर्थ बताना तथा अपने पराक्रम के गीत गाना। जब रावण को कुपित हुआ जान महाबली महापार्श्व ने दो घड़ी तक कुछ सोच विचार करने के बाद हाथ जोड़कर कहा, जो हिंसक पशुओं और सर्पों से भरे हुए दुर्गम वन में जाकर वहां पीने योग्य मधु पाकर भी उसे पीता नहीं है, वह पुरुष मूर्ख ही है। शत्रुसूदन महाराज, आप तो स्वयं ही ईश्वर हैं, आपका ईश्वर कौन है? आप शत्रुओं के सिर पर पैर रखकर विदेह कुमारी सीता के साथ रमण कीजिए। महाबली वीर, आप कुकुटों के वर्ताव को अपनाकर सीता के साथ बलात्कार कीजिए, बारंबार आक्रमण करके उनके साथ रमण एवं उपभोग कीजिए। जब आपका मनोरथ सफल हो जाएगा, तब फिर आप पर कौन सा भय आएगा?
यदि वर्तमान एवं भविष्य काल में कोई भय आया भी तो उस समस्त भय का यथोचित प्रतिकार किया जाएगा। हम लोगों के साथ यदि महाबली कुंभकर्ण और इंद्रजीत खड़े हो जाएं तो ये दोनों वज्रधारी इंद्र को भी आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। मैं तो नीति निपुण पुरुषों के साथ प्रयुक्त साम दान और भेद को छोड़कर केवल दंड के द्वारा काम बना लेना ही अच्छा समझता हूँ। महाबली राक्षसराज, आपके जो भी शत्रु आएंगे उन्हें हम लोग अपने शस्त्रों के प्रताप से वश में कर लेंगे, इसमें संशय नहीं है। महापार्श के ऐसा कहने पर उस समय लंका के राजा रावण ने उसके वचनों की प्रशंसा करते हुए इस प्रकार कहा, महापार्श, बहुत दिन हुए पूर्व काल में एक गुप्त घटना घटित हुई थी, मुझे शाप प्राप्त हुआ था। अपने जीवन के उस गुप्त रहस्य को आज मैं बता रहा हूँ, उसे सुनो। एक बार मैंने आकाश में अग्निशिखा के समान प्रकाशित होते हुए पुंजिक स्थला नाम की अप्सरा को देखा, जो पितामह ब्रह्मा जी के भवन की ओर जा रही थी। वह अप्सरा मेरे भय से लुकती छिपती आगे बढ़ रही थी। मैंने बलपूर्वक उसके वस्त्र उतार दिए और हठात उसका उपभोग किया। इसके बाद वह ब्रह्मा जी के भवन में गई। उसकी दशा हाथी द्वारा मसल कर फेंकी हुई कमलिनी के समान हो रही थी। मैं समझता हूँ कि मेरे द्वारा उसकी जो दुर्दशा की गई थी वह पितामह ब्रह्मा जी को ज्ञात हो गई। इससे वे अत्यंत कुपित हो उठे और मुझसे इस प्रकार बोले, आज से यदि तू किसी दूसरी नारी के साथ बलपूर्वक समागम करेगा तो तेरे मस्तक के 100 टुकड़े हो जाएंगे, इसमें संशय नहीं है। इस तरह मैं ब्रह्मा जी के शाप से भयभीत हूँ, इसलिए अपने शुभ शैया पर विदेह कुमारी सीता को हठात एवं बलपूर्वक नहीं चढ़ाता हूँ। मेरा वेग समुद्र के समान है और मेरी गति वायु के तुल्य है। इस बात को दशरथ नंदन राम नहीं जानते हैं, इसी से वे मुझ पर चढ़ाई करते हैं। अन्यथा पर्वत की कंदरा में सुखपूर्वक सोए हुए सिंह के समान तथा कुपित होकर बैठी हुई मृत्यु के तुल्य भयंकर मुझ रावण को कौन जगाना चाहेगा? मेरे धनुष से छूटे हुए दो जीव वाले सर्पों के समान भयंकर बाणों को सम्रांगण में श्री राम ने कभी देखा नहीं है, इसलिए वे मुझ पर चढ़े आ रहे हैं। मैं अपने धनुष से शीघ्रता पूर्वक छूटे हुए सैकड़ों वज्र सदृश बाणों द्वारा राम को उसी प्रकार जला डालूंगा जैसे लोग उल्काओं द्वारा हाथी को उसे भगाने के लिए जलाते हैं। जैसे प्रातःकाल उदित हुए सूर्यदेव नक्षत्रों की प्रभा को छीन लेते हैं, उसी प्रकार अपनी विशाल सेना से घिरा हुआ मैं उनकी उस वानर सेना को आत्मसात कर लूंगा। युद्ध में तो हजार नेत्रों वाले इंद्र और वरुण भी मेरा सामना नहीं कर सकते। पूर्व काल में कुबेर के द्वारा पालित हुई इस लंकापुरी को मैंने अपने बाहुबल से ही जीता था। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 13वां सर्ग पूर्ण हुआ। श्रीमद वाल्मीकि रामायण युद्ध कांड 14वां सर्ग। विभीषण का राम को अजेय बताकर उनके पास सीता को लौटा देने की सम्मति देना। राक्षस राज रावण के इन वचनों और कुंभकर्ण की गर्जनाओं को सुनकर विभीषण ने रावण से ये सार्थक और हितकारी वचन कहे, राजन, सीता नामधारी विशाल काय महान सर्प को किसने आपके गले में बांध दिया है? उसके हृदय का भाग ही उस सर्प का शरीर है, चिंता ही विष है, सुंदर मुस्कान ही तीखी दाढ़ है और प्रत्येक हाथ की 5-5 अंगुलियां इस सर्प के 5 सिर हैं। जब तक पर्वत शिखर के समान ऊंचे वानर जिनके दांत और नख ही आयुध हैं लंका पर चढ़ाई नहीं करते, तभी तक आप दशरथ नंदन श्री राम के हाथ में मिथिलेश कुमारी सीता को सौंप दीजिए। जब तक श्री रामचंद्र जी के चलाए हुए वायु के समान वेगशाली तथा वज्र तुल्य बाण राक्षस शिरोमणियों के सिर नहीं काट रहे हैं, तभी तक आप दशरथ नंदन श्री राम की सेवा में सीता जी को समर्पित कर दीजिए। राजन, ये कुंभकर्ण इंद्रजीत महापार्श्व महोदर निकुंभ कुंभ और अतिकाय कोई भी सम्रांगण में श्री रघुनाथ जी के सामने नहीं ठहर सकते। यदि सूर्य या वायु आपकी रक्षा करें, इंद्र या यम आपको गोद में छिपा लें अथवा आप आकाश या पाताल में घुस जाएं, तो भी श्री राम के हाथ से जीवित नहीं बच सकेंगे। विभीषण की यह बात सुनकर प्रहस्त ने कहा, हम देवताओं अथवा दानवों से कभी नहीं डरते। भय क्या वस्तु है यह हम जानते ही नहीं है। हमें युद्ध में यक्षों गंधर्वों बड़े बड़े नागों पक्षियों और सर्पों से भी भय नहीं होता है। फिर सम्रांगण में राजकुमार राम से हमें कभी भी कैसे भय होगा? विभीषण राजा रावण के सच्चे हितैषी थे। उनकी बुद्धि का धर्म अर्थ और काम में अच्छा प्रवेश था। उन्होंने प्रहस्त के अहितकर वचन सुनकर यह महान अर्थ से युक्त बात कही, प्रहस्त, महाराज रावण महोदर तुम और कुंभकर्ण श्री राम के प्रति जो कुछ कह रहे हो वह सब तुम्हारे किए नहीं हो सकता। ठीक उसी तरह जैसे पापात्मा पुरुष की स्वर्ग में पहुंच नहीं हो सकती है। प्रहस्त श्री राम अर्थ विशारद हैं, समस्त कार्यों के साधन में कुशल हैं। जैसे बिना जहाज या नौका के कोई महासागर को नहीं पार कर सकता, उसी प्रकार मुझसे तुमसे अथवा समस्त राक्षसों से भी श्री राम का वध होना कैसे संभव है?
श्री राम धर्म को ही प्रधान वस्तु मानते हैं। उनका प्रादुर्भाव इक्ष्वाकु कुल में हुआ है। वे सभी कार्यों के संपादन में समर्थ और महारथी वीर हैं। उन्होंने विराद, कबंद और वाली जैसे वीरों को बात ही बात में यमलोक भेज दिया था। ऐसे प्रसिद्ध पराक्रमी राजा श्री राम से सामना पड़ने पर तो देवता भी अपनी हेगड़ी भूल जाएंगे। फिर हमारी तुम्हारी तो बात ही क्या है। प्रहस्त, अभी तक श्री राम के चलाए हुए कंक पत्र युक्त दुर्जय एवं तीखे बाण तुम्हारे शरीर को विदीर्ण करके भीतर नहीं घुसे हैं, इसलिए तुम बढ़ चढ़ कर बोल रहे हो। प्रहस्त, श्री राम के बाण वज्र के समान वेगशाली होते हैं। वे प्राणों का अंत करके ही छोड़ते हैं। श्री रघुनाथ जी के धनुष से छूटे हुए वे तीखे बाण तुम्हारे शरीर को फोर कर अंदर नहीं घुसे हैं, इसलिए तुम इतनी शेखी बघारते हो। रावण, महाबली त्रिशिरा, कुंभकर्ण कुमार निकुंभ और इंद्र विजयी मेघनाथ भी सम्रांगण में इंद्रतुल्य तेजस्वी दशरथ नंदन श्री राम का वेग सहन करने में समर्थ नहीं है। देवांतक, नरांतक, अतिकाय, महाकाय, अतिरथ तथा पर्वत के समान शक्तिशाली अकंपन भी युद्ध भूमि में श्री रघुनाथ जी के सामने नहीं ठहर सकते हैं। ये महाराज रावण तो व्यसनों के वशीभूत हैं, इसलिए सोच विचार कर काम नहीं करते हैं। इसके सिवा ये स्वभाव से ही कठोर हैं तथा राक्षसों के सत्यानाश के लिए तुम जैसे शत्रुतुल्य मित्र की सेवा में उपस्थित रहते हैं। अनंत शारीरिक बल से संपन्न, सहस्त्र फन वाले और महान बलशाली भयंकर नाग ने इस राजा को बलपूर्वक अपने शरीर से आवेष्टित कर रखा है। तुम सब लोग मिलकर इसे बंधन से बाहर करके प्राण संकट से बचाओ, अर्थात श्री रामचंद्र जी के साथ वैर बांधना महान सर्प के शरीर से आविष्टित होने के समान है। इस भाव को व्यक्त करने के कारण यहाँ निर्दर्शना अलंकार व्यंग्य है। इस राजा से अब तक आप लोगों की सभी कामनाएं पूर्ण हुई हैं। आप सब लोग इसके हितेशी सुहृद हैं, अतः भयंकर बलशाली भूतों के गृहित हुए पुरुष को उसके हितेशी आत्मीय जन उससे प्रति बलपूर्वक व्यवहार करके भी उसकी रक्षा करते हैं। उसी प्रकार आप सब लोग एक मत होकर आवश्यकता हो तो इसके केश पकड़ कर भी इसे अनुचित मार्ग पर जाने से रोकें और सब प्रकार से इसकी रक्षा करें। उत्तम चरित्र रूपी जल से परिपूर्ण श्री रघुनाथ रूपी समुद्र से डुबो रहा है, अथवा यो समझो कि यह श्री राम रूपी पाताल के गहरे गर्त में गिर रहा है। ऐसी दशा में तुम सब लोगों को मिलकर इसका उद्धार करना चाहिए। मैं तो राक्षसों सहित इस सारे नगर के और सुहृदों सहित स्वयं महाराज के हित के लिए अपनी यही उत्तम सम्मति देता हूँ कि ये राजकुमार श्री राम के हाथों में मिथिलेश कुमारी सीता को सौंप दें। वास्तव में सच्चा मंत्री वही है जो अपने और शत्रु पक्ष के बल पराक्रम को समझकर तथा दोनों पक्षों की स्थिति हानि और वृद्धि का अपनी बुद्धि के द्वारा विचार करके जो स्वामी के लिए हितकर और उचित हो वही बात कहे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित अर्श रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 14वां सर्ग पूर्ण हुआ।